हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बी एस एड टेक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे थे सीएसएस की रेस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में। दोस्तों, सीएसएस में रेस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं और रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हमारी रेस्पॉन्सिव की बात आती है, हम दो तीन प्रकार से एक वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव करवा सकते हैं। और रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, देखिए रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वेबसाइट में जाते हैं, वेबसाइट में आप कंप्यूटर में खोल रहे हो, मोबाइल में खोल रहे हो, ना आपके टेबलेट में खोल रहे हो, ठीक है, हर डिवाइस में वो रेस्पॉन्सिव, मतलब हर चीज़ सही आना चाहिए। कोई चीज़ अगर मतलब बिगड़ रहा है दूसरे डिवाइस में, तो वो रेस्पॉन्सिव कहाँ हुआ। कहीं पर इमेज बहुत बड़ा हो जा रहा है या टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जा रहा है, कहाँ पर इमेज छोटा हो जा रहा है, पर ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि हम मोबाइल पे अभी ज़्यादा यूजर किस में रह रहे हैं, मोबाइल, तो मोबाइल के हिसाब से भी रेस्पॉन्सिव आना चाहिए ना हम। बट जब भी हम बना रहे हैं एक वेबसाइट, हम तो डेस्कटॉप में बना रहे हैं, तो हम जब भी देखते हैं ब्राउजर में खोल के डेस्कटॉप में ही देख लेते हैं, बट वो मोबाइल में कैसे रेस्पॉन्सिव होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए, रेस्पॉन्सिव करने के लिए पहली बात है, अगर आप कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तब आप कर सकते हो। जैसे कि आप सीएसएस की जो लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो, तो वहाँ पर बहुत ईजी हो जाता है एक चीज़ को रेस्पॉन्सिव बनाना। अगर आप कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क यूज नहीं करना चाहते, तो सीएसएस में जो चीज़ें होती है, दो चीज़ें हमें करना पड़ता है। एक तो मीडिया क्वेरी का यूज करना पड़ता है, दूसरी बात है व्यूपोर्ट मीडिया का। व्यूपोर्ट मीडिया क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे ब्राउजर या हमारी जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, उसमें बहुत सारे मीडियाज होते हैं, जैसे कि वीडियो, इमेज, ये सारे चीज़ें, इसको भी तो रेस्पॉन्सिव बनाना होगा, तो उसके लिए भी कीमत लिया जाता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये चीज़, पहले व्यू पोर्ट के बारे में आज देख लेते हैं, हमारे नेक्स्ट वीडियो होगा मीडिया क्वेरी का, ठीक है। चलिए, तो मैं आ चुका हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर देखिए व्यू पोर्ट डॉट एस टी एम एल करके एक फाइल है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो बॉयलर कर ले लेता हूँ। देखिए यहीं पर हमें दिख जाएगा, देखिए मीडिया में नेम रिपोर्ट और अंडर विथ डिवाइस विथ वेब एंड स्केल इनिशियल स्केल 0.1.0, ठीक है। ये जो रिपोर्ट मीडिया आपको दिख रहा होगा, इसी के वजह से जो मीडिया रहेगा यहाँ पर वो रेस्पॉन्सिव दिखाता हूँ। मान के चलिए मैं एक इमेज लेता हूँ, एमजी टैग, एमजी टैग लेके यहाँ पे मैं एमजी जो ट्रिपल रख देता हूँ और इसका एक कोई ये दिख रहा होगा। अभी मैं इसको एक बार लाइव सर्च में लेकर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली आ गया सर, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ये इमेज को और थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, लाइक 300 400 350 कर लेते हैं, ठीक। अभी ठीक है, अभी देखिए इमेज थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, देन टेक्स्ट आ रहा है। इसी को हम एक काम करते हैं, और भी एक खोल लेता हूँ, दो मैंने खोल लिया, एक को काम करता हूँ इंस्पेक्ट करता हूँ। अभी देखिए इंस्पेक्ट मोबाइल डिवाइस, अभी मोबाइल डिवाइस में आ गए, मोबाइल डिवाइस में ये कितना बड़ा आ रहा है, इमेज बड़ा आ रहा है और सही सा दिख रहा है, मतलब ये जो डिवाइस की विड्थ के हिसाब से वो बड़ा भी दिख रहा है, सही से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर तो सही है, हम जितना भी दिया है उसी हिसाब से आ रहा है, पर यहाँ पर वो अपने हिसाब से रेस्पॉन्सिव आ रहा है, इमेज डिवाइस की विड्थ के हिसाब से ही ले रहा है। आप अगर यहाँ से कोई डिवाइस चूज करना चाहते हो, आप उसके हिसाब से आप आ रहा है,
सही आ रहा है ठीक है, बट अगर ये क्यों आ रहा है, अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ रिपोर्ट मीडिया को हटा देता हूँ, देखिए अब मैं इसको ये यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये तो मैं बड़ा डिवाइस है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए जैसे कि मोबाइल में मैं खोला, ये कितना छोटा हो गया, वो विजिबल ही नहीं हो पा रहा है अच्छे से कि चीज़ें क्या है क्या नहीं, वो इमेज अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा, बट यहाँ पे वो चीज़ें सही हो, देख रहे हैं। तो यही चीज़ इन दोनों चीज़ के अंदर जो डिफरेंस है, इसी को हम सही करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए व्यूपॉइंट मीडिया, यहाँ पे व्यूपॉइंट मीडिया में क्या क्या रहता है एक बार देखिए। व्यूपॉइंट मीडिया पहले तो नेम आपने व्यूपॉइंट मीडिया दिया, देन कंटेंट विड्थ डिवाइस, देखिए विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब डिवाइस का जो भी विड्थ होगा उसके हिसाब से, अगर मान के चलिए हमने डेस्कटॉप के लिए तो हमने यहाँ पर दे दिया कि विड्थ कितना रहना चाहिए, बट अगर डेस्कटॉप छोटा होता है मतलब स्क्रीन छोटा हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, मोबाइल डिवाइस में खुला जाता है, तब क्या होगा जो डिवाइस की विड्थ होगा उसके हिसाब से उसको विड्थ हो जाए जो भी मीडिया रहेगा उसके। फिर इनिशियल स्केल मतलब इसका जो जूम, जो थोड़ा सा जूम होकर रहेगा, जो जूम इफेक्ट इसमें रहेगा, ठीक है, ये देखिए ये जो जूम इफेक्ट रहेगा ये कैसे रहेगा, इस तरह से कि थोड़ा सा 1% मतलब 1% थोड़ा बड़ा होकर रहेगा, ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यही मेनली होता है, ये एक्चुअली हमें रेस्पॉन्सिव के लिए हमेशा चाहिए होता है, इसीलिए ऑलरेडी जो बॉयलर प्लेट के अंदर ये चीज आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मीडिया क्वेरी का। आज हमने देखे कि मीडिया को कैसे रेस्पॉन्सिव करना है या जो व्यूपोर्ट का एक्चुअली काम क्या होता है, ठीक है। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे मीडिया क्वेरी का यूज करके इसे रेस्पॉन्सिव बनाया जाता है और सारे चीजों, यहाँ पे तो ओनली मीडिया को हमने देखा कि कैसे वो रेस्पॉन्सिव बन गया, बट और बाकी सारे चीजें कैसे रेस्पॉन्सिव बनेगा वो चीजें देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो अगर नए हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।